सदानंद बकले। बड़ौदा में पैदा हुए सदानंद बकले बंबई प्रगतिशील कलाकार समूह के संस्थापक में से एक थे। सन 1951 में सदानंद बकले ब्रिटेन गए, जहां वह जल्द ही मूर्तिकला को त्याग कर चित्रकारी पर ध्यान केंद्रित करने लगे। सदानंद बकले साल 1975 में भारत लौट आए थे, जिसके बाद वह कई वर्षों तक बैरागी बने रहे। मूर्तिकला के साथ सदानंद बकले ने अपने प्रयोग के केवल इसलिए शुरू किए क्योंकि वे उस समय 1939 में पेंटिंग पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकते थे। वह 1948 में प्रगतिशील कलाकारों के समूह के संस्थापक सदस्य में से एक थे। अगले वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में उनकी प्रविष्टि को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकला के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया। सन 1959 में गैलरी वन लंदन, 1962 में सेंटोर गैलरी मुंबई और 1961 में कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट में उनके वन मैन शो हो चुके थे। उन्होंने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई दीर्घाओं में भी प्रदर्शनी किया। एक चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में वह मुरुद हरनाई में महाराष्ट्र के कोंकण तट पर रहते थे। हालांकि उन्होंने कई साल पहले काम करना छोड़ दिया था। कभी कभी मिट्टी की मूर्ति या लकड़ी की नक्काशी को छोड़कर जो वह अपने लिए करते थे। सदानंद बकले ने अपने फलों और सब्जियों के बागीचों की देखभाल के लिए ईंट बिछाने के लिए और अपने विचित्र घर के रखरखाव पर काम करने के लिए अपने उपकरण और उपकरण खुद बनाए थे। 8 दिसंबर 2007 को सदानंद बकले की मृत्यु रत्नागिरी में हृदयघात के कारण हुई।